हेलो एवरीवन, मैं हूं पारी टॉप किचन मोनिका एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई थिंक कुकी सबकी फेवरेट होती है, और अगर आपको भी कुकीज पसंद है लेकिन आपको लगता है कि बनाना मुश्किल है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही बढ़िया आसान सी कुकीज जो कि आप घर में आराम से बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं ओट्स एंड चॉको चिप कुकीज, जो कि बहुत ही हेल्दी है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये कुकीज एगलेस है, मैदा फ्री है और 100% होल व्हीट से हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओट्स एंड चॉको चिप कुकीज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। हम लेंगे 1/2 कप ओट्स, 1/2 कप होल व्हीट आटा, 1/4 कप ब्राउन शुगर, आप व्हाइट भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून चॉको चिप्स, 2 टेबलस्पून ड्राइड क्रैनबेरीज, 1/3 कप अनसॉल्टेड बटर, 1/8 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वेनिला, 1.5 टेबलस्पून मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमारा बटर एक बोल के अंदर, ये सॉफ्टन बटर है, इसमें हम डालेंगे हमारी शुगर और इसे अच्छे से क्रीम कर लेंगे। एक हल्का सा पेल कलर का आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम बैचेस में मिल्क ऐड करेंगे। बैचेस में इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बटर है वो स्प्लिट ना हो। अब हम इसमें डालेंगे हमारा वेनिला एसेंस और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है मिक्सचर। लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके का क्रीम में, हमें ओवर क्रीम नहीं करना है। अब एक सीव लेंगे, इसमें डालेंगे हमारा आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट, इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं, ये लम्स अवॉइड करने के लिए हम सीव करते हैं। और अब हम इसे बढ़िया सा एक मिक्स देंगे अच्छे से, ये बैटर टाइप का दिखेगा भी आपको। इसमें हम डालेंगे ओट्स और हमारे चॉको चिप्स एंड क्रैनबेरी या रेजिन, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसे अच्छा सा एक फोल्ड हम देंगे और हमारा डो तैयार है। अब हम इसे एक क्लिंग रैप में रैप करके रेफ्रिजरेट होने रखेंगे कुछ 30 मिनट्स के लिए हम इसे रखेंगे, ताकि आपका जो डो है वो सेट हो जाए, इसे काम करने में हैंडल करने में इजी हो जाएगा। हमारा जो डो है वो रेडी है काम करने के लिए। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए अब ब्रेक भी हो रहा है अच्छे से। और अब हम इसे रोल करेंगे, एक पार्चमेंट पेपर लगा के बेकिंग ट्रे आप तैयार रखें। डिवाइड करेंगे डो 8 इक्वल पार्ट्स में। मैंने 35 ग्राम्स के 8 कुकीज बनाए हैं, इसमें से फ्लैट करेंगे पाम से और बेक करने रख देंगे 170 डिग्रीज पे 17 मिनट के लिए। बेक होने के बाद हमारी कुकीज कुछ ऐसे दिखेंगी, इन्हें वायर रैक पे रखें कूल होने के लिए, अच्छे से ठंडा करके फिर इन्हें हम खाएंगे। तो ये देखिए कैसे हमारी कुकीज लग रही हैं, बहुत ही बढ़िया बेक हो गई हैं। बाहर से एकदम लाइट क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है ये। नाइस, तैयार है हमारी ओट्स एंड चॉको चिप कुकीज, जो कि बहुत ही बढ़िया से बेक हो चुकी हैं। और अब मैं इसे खाने वाली हूँ और खा के आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही बढ़िया है, अंदर से बहुत ही हल्का सा चुई इसमें टेक्सचर है, ऊपर से हार्ड है और अंदर से चुई है। चॉको चिप्स का बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, इसमें हमने क्रैनबेरी भी डाला है, आप चाहें तो इसमें रेजिन भी डाल सकते हैं। और जल्दी से ये बनाइए, बहुत ही मजेदार है। ऐसे ही हेल्दी मजेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपको कहाँ मिलेगी, पायरेट ऑफ किचन पर। तो बने रहिए पायरेट ऑफ किचन के साथ और अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा।